हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत हमारे चैनल रवि निषाद डांस क्लब में। दोस्तों, आज वीडियो बहुत ही कमाल वीडियो, आज वीडियो जाए कर जाता हूँ तुझा झंडा जी का एक नया वीडियो जिस पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। आइए वीडियो को प्ले करते हैं, लेट्स गो प्ले। आज से 3 लाख करोड़ साल पहले डायनासोर के जमाने में खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था। अबे साले, कभी 15 साल पहले खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था जिसका नाम था जवानी हमार चूस गई लो। ये गाना खेसारी लाल यादव की पर्सनालिटी को काफी सूट भी कर रहा था, क्योंकि खेसारी लाल यादव उस वक्त किसी चूसे हुए आम को तगड़ा कंपटीशन दे रहे थे। देख लाला मौसा, जाए करे जा तारू तो जा। गाना एंगल म्यूजिक का था और इसे लिखा था महेश परदेसी ने। ये गाना 2008 में मैंने लिखा था। खैर, इनकी अपनी भी एक कहानी है। इनकी मेहनत पर डाका डालने वाले इनको कह रहे हैं कि भैया झूरा के क्रेडिट चाहिए। वो पोस्ट डाल रहे हैं हमारे कृष्णा जी, छोटे भाई कृष्णा जी की, सुखले क्रेडिट चाहिए, मेहनत करके पड़ी। खैर, फिलहाल इस गाने के बारे में ताजा खबर ये है कि इतने सालों बाद एक बार फिर से इस गाने को एंगल म्यूजिक से उठा करके ग्लोबल म्यूजिक को बेच दिया गया। सॉरी, मेरा मतलब ये है कि एक बार फिर से इस गाने को रीमेक किया गया है किसी दूसरी कंपनी के लिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब खेसारी लाल यादव ने अपने गाने को रीमेक किया है, शायद ये दूसरी बार। इससे पहले उन्होंने एक गाने को और रीमेक किया था जिसका नाम था, क्या नाम था? नींबू खरबूजा भाई। फिलहाल जवानी हमार चूस गईलू गाने को जाए करेजा 2 नाम से रीमेक किया गया है। नए और पुराने गानों के बीच में काफी अंतर है। नए गाने में काफी कुछ बदलाव किया गया है, जैसे कि हीरोइन को स्कर्ट से चड्डी मिलाया गया है। हंस कह रहे हो भाई, आप इसको बदलाव नहीं मानते हो? 15 साल की कड़ी तपस्या लगी है हीरोइन को स्कर्ट से चड्डी मिलाने के लिए, तुम लोग हंस रहे हो? धर्म नहीं आती। सेम टू सेम पिछले वाले गाने की ही लाइन इस गाने में दोहराई गई है। अरे क्या मजबूरी है वही लाइन दोहराने का, उसमें भी था जाए करे जा तारा तजा। अरे कुछ नया करो बिल्कुल इस तरह से। वैसे जब नए गाने न चल रहे हो तो पुराने गानों पर दांव लगाना बिल्कुल सही फैसला है, बट दांव लगाने से पहले भविष्य में पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए, अन्यथा वही एग्रीमेंट वाली हाल होगी। पब्लिक के सामने आके रोना पड़ेगा कि देखो हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। अब विश्वास पे पेपर साइन मत करना भाई। एग्रीमेंट के समय पर भी यही हुआ रहा होगा, सामने पैसा दिख रहा होगा, कर लेते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लिया हूं मैं, बाद में पता चला कि ओहो हमको तो फंसा दिया गया है। और कुछ गलतियां आदमी जब करता है ना तब जाके सीख मिलती है। आज भी वही हालत है, पुराने गानों की चर्चा हो रही है और उसको रिमेक कर दिया जा रहा है, दबा के व्यूज आ रहे हैं और लेकिन भविष्य में इसका नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ सकता है। इस पर किसी का ध्यान है? लाइक मान लो आप दूसरी कंपनी से एक गाना उठा रहे हो और अपने साथ एग्रीमेंट की हुई कंपनी को दे रहे हो, यानी कि उसकी कंपनी का गाना उठा करके दूसरे को बेच रहे हो। कल को जब आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा उसके साथ, तो हो सकता है कि वो अपना गाना आपको किसी स्टेज पर गाना ही ना दे। ये समस्या है, क्या बोलने का? पता चले आप किसी स्टेज शो पर गए, माइक पकड़े, जिया जवानी हमार चूस गईलू, दूसरे दिन कोर्ट का नोटिस आ जाए आपके पास, आप चौंक जाए, अरे ऐसे कैसे, तो हमारे गाना है, और कोर्ट आपसे कहे कि नहीं आपका था एग्रीमेंट, आपने बेचा था, याद है ना? और उस वक्त आप कुछ ना कर पाए, फिर आप लाइव आए और कहे कि हमको फंसाया जा रहा है। तो भाई बाद में पछताने से अच्छा है कि इन सब चीजों पर भी फोकस किया जाए। बाद में टच नहीं करेंगे ऐसा कोई एनओसी है आपके पास तो बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा, पसंद आया तो कभी ट्राई करें। बताओ बताओ बताओ, बाय बाय बाय। गाना किसी और से गवा दो,
आप उस गाने में नाच लो। ये क्या बात करते हैं यार। नाचने पर तो कोई एग्रीमेंट नहीं है ना? नहीं। नील कमल से वही गाना गवा दो, प्रमोद प्रेमी से गवा दो, रितेश पांडे से गवा दो, और मैं तो कहता हूँ कि पवन सिंह से गवा दो। पब्लिक में पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा कि अरे भाई देखो दोनों भाई एक हो गए, और दोनों के फैन मिलेंगे, बम फाड़ के व्यूज भी आएगा, और कोई एग्रीमेंट वाला आपको उंगली भी नहीं कर पाएगा, दबा के कमाई होगी, और गाना अपना का अपना रहेगा, किसी भी स्टेज शो पर चढ़ के दोनों गा सकते हैं, किसी की गुलामी भी नहीं रहेगी, और भोजपुरी के लिए एक बढ़िया मैसेज भी होगा। तो ऐसा कुछ करो ना, कभी एक ट्राई करो, किसी दूसरे सिंगर से गवा दो, आप उसमें नाच लो, पूरा का पूरा पैसा भी अपना, किसी एग्रीमेंट वाले की हिस्सेदारी नहीं। खैर फिलहाल गाने पर अगर रिस्पांस देखा जाए तो बढ़िया ही रिस्पांस मिल रहा है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक 8,37,414 व्यूज हो चुके हैं। ये रियल टाइम व्यूज नहीं है, मैं यूट्यूब के एप्लीकेशन में देख रहा हूँ, रियल टाइम में ये मिलियन क्रॉस कर चुका होगा। तो गाने पे रिस्पांस बढ़िया है क्योंकि बहुत दिन से इस गाने की चर्चा थी, और जिस गाने की चर्चा पहले से ही शुरू हो जाती है उस गाने पर रिस्पांस बढ़िया होता है, क्योंकि इससे पहले खेसारी लाल का एक और रीमेक वर्जन आपने देखा होगा, नींबू खरबूजा भइल, वो गाना भी लगभग महीने में ही 100 मिलियन क्रॉस कर गया था। तो बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आइए मैसेज कीजिए, फॉलो भी कर लेना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोग को भी ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।